व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, एक नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग ऑनलाइन। और फाइनली मैं आज आप सभी के साथ हूं वो रेमेडी लेकर जिसके लिए आप सभी काफ़ी दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और वो है एक अच्छी क्वालिटी का हेयर ग्रोथ सीरम, जिससे कि आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ना रुक जाए, और साथ ही हेयर ग्रोथ जिससे प्रमोट हो, आपके बाल अगर आप लंबे करना चाहती हैं या चाहते हैं तो उससे बाल आपके लंबे होंगे। बेसिकली मैं इसको एक हेयर ग्रोथ टॉनिक बोलूँगी, यानी कि हेयर टॉनिक ये है, जो कि ओवरऑल आपकी बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो आपके बालों में डैंड्रफ हो, आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो, बालों में फ्रिजीनेस आ रही हो, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, आपके रूखे सूखे बेजान से बाल आपके हो रहे हों, लंबे बाल आपके नहीं हो रहे हों, यानी कि एक टाइम के बाद बालों की ग्रोथ जब आकर आपकी रुक जाती है या बाल लंबे नहीं होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में ये हेयर टॉनिक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर जमा करके रखी हुई हैं, लेकिन बिल्कुल भी डरिए मत, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, हर किचन में अवेलेबल होती हैं। आप अपने बस किचन में जाइए और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। बस कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद बाहर से लेनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ इस हेयर टॉनिक में। एक्चुअली काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हो गए थे, तो मैंने सभी इंग्रेडिएंट को बड़े सलीके से इस ट्रे में जमा कर रखा हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी अदरक की, और अदरक मैंने यहाँ पर लगभग उंगली के नाप से, जो मेरी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर की नाप से 2 रिंग फिंगर जिंजर आप ले लें, इतना जिंजर मैंने यहाँ पर ले रखा है। इसको मैंने टुकड़े करके रखे हुए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा अगर होता भी है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। जिंजर बहुत अच्छा माना जाता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। वैसे भी अगर आप नॉर्मली भी सिर्फ जिंजर जूस अपने बालों में लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, हेयर्स को शाइन देता है, स्कैल्प को डिटॉक्सीफाई करता है, हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करता है। तो यहाँ पर मैं पहला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ जिंजर। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है, जैसे आप देख सकते हैं ये हिबिस्कस, या जिन्हें हम हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं, उसके फूल हैं। ये मैंने यहाँ पर मैं ड्राई फूल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा फ्रेश फूल पॉसिबल नहीं होता है, और हेयर्स के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जब भी कभी आपको कहीं भी फ्रेश दिखते हैं, उनको आप घर में तोड़ लाएं और धूप में सुखा कर इन्हें ड्राई करके आप प्रिजर्व कर सकते हैं अपने घर पर, ये ख़राब नहीं होते, किसी एयर टाइट जार में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हिबिस्कस फ्लावर ले रही हूँ, लगभग 8 से 10 सूखे हुए हिबिस्कस फ्लावर हैं, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे नेचुरल कंडीशनर माने जाते हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसके साथ ही हेयर पिगमेंट को रिस्टोर करते हैं, यानी कि वो लोग जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उन लोगों के लिए हिबिस्कस फ्लावर बहुत अच्छे माने जाते हैं। मेहंदी में मिलाकर ये यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ इनका पेस्ट बनाकर भी बालों में लगाया जाता है। तो इस रेमेडी में मैं हिबिस्कस फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनको मिलाने से आपके अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल असमय पक रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है ये करी लीव्स हैं, मैं ड्राई यूज़ कर रही हूँ, मैं हमेशा अपने पास स्टोर करके रखती हूँ, करी पत्ता भी इनको बोलते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा नेचुरल कंडीशनर होते हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, आपके बालों का जो फ्रिजीनेस है उसको खत्म करते हैं, बालों को शाइन देने में बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, हिबिस्कस फ्लावर और करी लीव्स, अगर आपके पास फ्रेश है तो बिल्कुल आप फ्रेश लीजिए। अगला जो इंग्रेडिएंट है, इसको आप सभी जानते होंगे किचन में, ये एक बहुत फेमस स्पाइस है, और इसे बोलते हैं तेज पत्ता या वे लीव्स। वे लीव्स अपनी एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए बहुत पॉपुलर है, हेयर्स में जो डैंड्रफ होती है उसको ख़त्म करने में। नॉर्मली भी बोला जाता है कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो बस ये बे लीव्स पानी में उबालिए, थोड़ा सा उसमें लेमन मिलाइए और अपने बालों की जड़ों में लगा लीजिए, किसी भी तरह का डैंड्रफ हो, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन आपके बालों में है, वो चला जाएगा। इसके साथ ही ये आपके बालों को बहुत अच्छी शाइन देगा, स्कैल्प को डिटॉक्सीफाई करेगा, क्लीन करेगा बहुत अच्छी तरह से, और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगला जो इंग्रेडिएंट जिसमें शामिल है माश की दाल या उड़द की दाल, ये है राइस, और ये है फ्लैक्स सीड्स। माश की दाल प्रोटीन है, हमारे बाल जो होते हैं वो भी एक प्रोटीन ही होते हैं, एक केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, उससे बने होते हैं। तो अगर आपके बाल में किसी तरह की प्रोटीन की कमी है तो उसे पूरी करने में माश की दाल बहुत अच्छा काम करेगी, इसके साथ ही हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत इफेक्टिव होती है। राइस में राइस स्टार्च होता है, जो कि आपके बालों को शाइन देगा, स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करेगा और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा।
इसके साथ ही मैं ले रही हूँ फ्लैक्स सीड्स फुल ऑफ फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 इसमें बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके स्कैल्प को नरिश करेगा, कंडीशन करेगा बालों को और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। यहाँ मैं ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ 90% वो सारी चीज़ें हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जो कि हमारे हेयर टॉनिक का मेन पर्पज़ है। अगला जो इन्ग्रीडियंट है ये है सिनेमन की स्टिक्स है, और ये सिनेमन स्टिक्स भी हमारी जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर की लंबाई से लगभग 2 और रिंग फिंगर की लंबाई के स्टिक्स आप इस तरह से ये ले सकते हैं। बहुत पतली पतली ये मैंने ली हैं। अगर आपके पास चौड़ी वाली सिनेमन स्टिक है तो फिर आप 1 रिंग फिंगर की लंबाई के बराबर स्टिक ही लें। सिनेमन एक नेचुरल इरिटेंट माना जाता है, यानी कि जब आप इसको बालों में लगाते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल को इरिटेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर इरिटेट एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया हुआ वर्ड है, यानी कि ये स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को। इसके साथ ही इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अगर डैंड्रफ आपके बालों में है तो उसको भी खत्म करने में बहुत अच्छा काम करती हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट है ये है चाय की पत्ती, नॉर्मल चाय की पत्ती है ये, जो हम घरों में चाय बनाते हैं वो वाली पत्ती है ये। चाय की पत्ती मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें टैनिन होता है और टैनिन हेयर पिगमेंट को रिस्टोर करने में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि आपके बाल अगर पक रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनको सफ़ेद होने से रोकने में ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। अब यहाँ पर ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ये हैं छिलके, इसमें सबसे पहले है नींबू का छिलका, दूसरा ये है ऑरेंज का छिलका, और ये तीसरा है अनार का छिलका। नींबू का छिलका हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नींबू के छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, इसमें नेचुरली लेमन ऑयल होता है जो कि आप जब इस रेमेडी में जब पानी के साथ बॉयल करते हैं तो उसमें निकल आता है, इसका एक्सट्रैक्ट जो होता है उसमें बहुत सारा लेमन ऑयल होता है जो कि नेचुरली आपके स्कैल्प को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है, डैंड्रफ को निकालता है और बालों में शाइन ऐड करता है। इसी तरह से मैं यहाँ पर ऑरेंज के ये छिलके हैं, ऑरेंज के छिलके अगर आपके पास नहीं है तो आप किनू के छिलके ले सकते हैं या फिर आप मौसम्बी के छिलके भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राइड ऑरेंज के जो छिलके होते हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं। ऑरेंज के छिलके में भी ऑरेंज का नेचुरल ऑयल होता है जो कि बहुत अच्छा होता है स्कैल्प को नेचुरली क्लीन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में, बालों को शाइन देने में। इसी तरह से अनार में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो अनार का छिलका मैंने लिया है इसमें ये जो इसका वाइट जो अभी मैं फ़िलहाल फ्रेश यूज़ कर रही हूँ और इसका ये जो वाइट पोर्शन है ये भी आपको साथ में यूज़ करना है क्योंकि इसमें फ्लेविनॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ मैं अनार का छिलका भी ले रही हूँ, ये भी अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो हमेशा अनार के छिलके अपने पास सुखा कर रखें क्योंकि अनार के छिलके ना सिर्फ आपके हेयर्स को की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बल्कि वो लोग जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो लोग भी अगर अनार के छिलके का पाउडर अपने बालों में यूज़ करते हैं तो उनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। तो ये हुए हमारे सारे इंग्रेडिएंट इस ट्रे में। इसके अलावा भी आपको जो बाकी इंग्रेडिएंट लेनी है उसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ बीट रूट को मैंने छिलके समेत काट कर यहाँ रखा हुआ है टुकड़े करके। बीट रूट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये नेचुरल जो आपके बालों का पिगमेंट होता है इसको रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके साथ ही फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, यानी कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी, आपके बालों को झड़ने से रोकेगी और इसके साथ ही एक बहुत अच्छी थिकनेस आपके बालों में ऐड करेगी। तो ये हुई बीट रूट। इसके अलावा जो बाकी के इंग्रेडिएंट हैं इसमें शामिल है ये है रोज़ पेटल्स यहाँ मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ और मैंने ये मार्केट से बाय की है इसलिए मैंने इनको पानी में डिबो कर रखा हुआ है जिससे कि अगर इनके ऊपर किसी तरह का कोई केमिकल है या कोई आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस है तो वो निकल जाए। अगर आपके घर में देसी गुलाब है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस हेयर टॉनिक में यूज़ करने के लिए। रोज़ पेटल्स भी स्कैल्प को नरिश करने में, स्कैल्प को कंडीशन करने में बहुत अच्छी मानी जाती है, एक बहुत अच्छा नेचुरल कलर आपके बालों को देती है, हेयर पिगमेंट को रिस्टोर करती है यानी कि बालों को सफ़ेद होने से रोकती है, चमक और थिकनेस बालों में ऐड करती है। और इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है गेंदे के फूल भी मैंने यहाँ पर डुबो कर रखे हुए हैं जिससे कि अगर इन पर किसी तरह का कोई केमिकल हो तो वो निकल जाए। गेंदे के फूल बहुत अच्छे माने जाते हैं बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए। इसके साथ इनमें बहुत ही अच्छी
नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि डैंड्रफ की वजह से अगर आप परेशान हैं, किसी भी तरह के डैंड्रफ आपके बालों में हो, तो उसको खत्म करने में गेंदे के फूल बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर लगभग 2 से 3 मैंने गुलाब के फूल लिए थे और 3 ही लगभग मैंने गेंदे के फूल लिए, 3 से 4। इसके अलावा जो आप बाकी के इंग्रेडिएंट हैं उसमें है विटामिन ई जेल कैप्सूल्स में मिलाऊंगी इस रेमेडी में। विटामिन ई जेल कैप्सूल भी बहुत अच्छा माना जाता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में, विटामिन ई तो होता ही है स्कैल्प को नरिश करने में, मॉइस्चराइज करने में, तो विटामिन ई जेल कैप्सूल में यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं लेवेंडर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। लेवेंडर ऑयल स्कैल्प को रिलैक्स करने में, अगर डैंड्रफ की वजह से इरिटेटेड स्कैल्प है तो उसको रिलैक्स करने में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इस हेयर टॉनिक की सेल्फ लाइफ को भी ये इंक्रीज करेगा, तो यहाँ ले रही हूँ लेवेंडर ऑयल। इसके अलावा मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसलिए क्योंकि ये भी बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करता है, और मैं थोड़ी सी लूप मिलाऊंगी इसमें ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पर ऑप्शनल है, यानी कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस है आपके बालों में, तभी आप ग्लिसरीन लें, अदरवाइज ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्ग्रीडियंट कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसके बाद जो सबसे एंड में मैं इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसके पहले भी कई बार आपको बताया है कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन हमेशा डल रहती है, तो आप इवनिंग प्रिमरोज जेल कैप्सूल खाना शुरू करें। तो आज मैं इस रेमेडी में ये जेल कैप्सूल्स होते हैं और इसके 2 से 3 कैप्सूल मैं इस हेयर टॉनिक में मिलाने वाली हूँ। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हैं, कई सारे ब्रांड्स इनके आते हैं, महंगे से महंगे और रीजनेबल ब्रांड्स भी इसके अवेलेबल होते हैं। और अगर इंटरनली आप यूज़ करना चाहते हैं तो इनिशियली 2 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और रात को डिनर के बाद आप इसके ले सकते हैं महीने भर के लिए, और इसके बाद दिन में 1 कैप्सूल अगले 2 से 3 महीने के लिए आप इसका ले सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम इस हेयर टॉनिक को बनाना, तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं इस हेयर टॉनिक को। सबसे पहले मैं इसमें लगभग 500 ml डालूंगी वाटर। ये मेजरिंग ग्लास है और इस मेजरिंग ग्लास से लगभग 500 ml मैं इसमें पानी मिलाने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद जब इस पानी में हल्की सी उबाल आना शुरू हो जाएगी तो मैं धीरे धीरे सारी चीजें इसमें डालना शुरू करूंगी। चीजें डालने का जो क्रम है उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं जो इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ इसमें वो है राइस और उड़द की दाल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी। तीनों चीज़ें माश की दाल, फ्लैक्सीड और चावल, तीनों चीज़ें मैंने 1-1 टीस्पून ली हुई हैं। तो सबसे पहले मैं ये दोनों माश की दाल और चावल इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ये दोनों पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लेंगी। और जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि वो जल्दी से पक जाते हैं और जितना वो ज़्यादा पकते हैं उतने वो थिक जेल बनते जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अपनी जो टॉनिक है उसको थिक नहीं करना है, इसलिए हम सबसे लास्ट में फ्लैक्स सीड्स डालेंगे। तो मैंने इसमें मास की दाल और अभी सिर्फ राइस डाला है। हल्की सी इसमें उबाल आना शुरू हो गई है और बाकी के इन्ग्रीडियंट्स में अनार के छिलके मैं इसमें डाल दूंगी। संतरे के छिलके डाल दें आप। नींबू के छिलके मैं डाल दूंगी। जिंजर के जो हमने टुकड़े करके रखे हैं वो डाल दूंगी। इसके साथ ही जो हिबिस्कस फ्लावर्स थे, लगभग 8 से 10 हिबिस्कस फ्लावर्स हमने लिए थे, वो डाल दूंगी। करी लीव्स सारी आप डाल दें। लगभग सारी चीजें आपको डाल देनी है। तेज पत्ता को हल्का सा क्रश करके आपको डालना है। सिनेमन स्टिक्स में डाल दूंगी। सारी चीजों को एक बार हिला दें अच्छी तरह से। इसके अलावा बाकी के जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें कि चाय पत्ती भी है थोड़ी सी, 1 चम्मच जो हमने ली थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। सिर्फ फ्लैक्स सीड्स के अलावा लगभग सारी चीजें आपको इसमें डाल देनी है। जो बीट रूट है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी।
हमारे जो रोज थे वो भी मैं क्रश करके डाल दूंगी इसमें। गेंदे के फूल भी मैं क्रश करके मैं डाल दूंगी। सारी चीजों को आप अच्छी तरह से मिला लें आपस में। आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं। लगभग 5 मिनट के लिए इसको ढका रहने दीजिए और 5 मिनट बाद हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो हम इसमें डालेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें हमारे जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो डाल दूंगी। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं गैस की आंच बंद कर दूंगी, लेकिन आप इसको खोलिए नहीं और अगले 5 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही ढका रहने दें। 5 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन निकालें। लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं ये कवर हटा दूंगी। सारी चीजें आपस में बहुत अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो गई हैं और हमारा जो हेयर टॉनिक है वो ऑलमोस्ट हमारे पास है, ये देखिए। अब आपको इसके ठंडे होने का वेट करना है और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको किसी स्ट्रेनर से, किसी छन्नी में से छानकर इसका ये जो पानी है ये अलग कर लेना है। ये लीजिए, मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और ये लगभग का हेयर टॉनिक रेडी है। अब बाकी की चीज़ें मैं इसमें मिला दूंगी। ये अभी थोड़ा सा और गर्म है जब तक ये पूरी तरह से ठंडा हो रहा है और मैं इसको बॉटल में बाद में स्टोर करूंगी। याद रखिए, जब तक पूरी तरह से ठंडा ना हो इसको स्टोर ना करें, पहले पूरी तरह से ठंडा होने दें। तो ये जब तक पूरी तरह से हो रहा है ठंडा, मैं बाकी की चीज़ें इसमें मिलाऊंगी। तो बाकी चीज़ों में हमारा बचा हुआ है इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल्स और विटामिन ई जेल कैप्सूल्स। मैंने लगभग 3 इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल लिए हैं और लगभग 3 ही मैंने विटामिन ई जेल कैप्सूल लिए हैं। इन सारे कैप्सूल्स को प्रिक करके इनके अंदर का जो जेल है वो मैं इस हेयर टॉनिक में डालने वाली हूँ। ये लीजिए, सारे कैप्सूल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब बाकी बचता है मेरा लेवेंडर ऑयल और लेवेंडर ऑयल की भी लगभग 10 से 12 बूंदे मैं इसमें मिला दूंगी। ये लीजिए, लगभग 10 से 12 बूंदे, 15 बूंदे तक आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद बचता है एलोवेरा जेल, तो लगभग 1 से 2 चम्मच आप एलोवेरा जेल इसमें मिला लें। सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला ली हैं। अब बात करती हूँ मैं ग्लिसरीन की। मैं इसमें ग्लिसरीन नहीं मिला रही हूँ क्योंकि ये मैं अपने खुद के बालों के लिए यूज़ करूँगी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी है तो आप ग्लिसरीन की 1 से 1.5 चम्मच इसमें मिला सकती हैं। इन सारी चीज़ों को आप आपस में अच्छी तरह से मिला दें और अब ये आपका हेयर टॉनिक बनकर बिल्कुल रेडी है बालों में लगाने के लिए। आप इसको किसी स्प्रे बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट आप अपने बालों में स्प्रे कर सके, या फिर आप इसे किसी प्लास्टिक बॉटल में स्टोर कर सकती हैं और इसे आप डायरेक्ट अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑयल मसाज करते हैं वैसे आप इसको ऑयल मसाज कर सकते हैं, या फिर आप इसे किसी ऑयल के साथ इन्फ्यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ऑलिव ऑयल आप अपने बालों में लगा रही हैं तो ऑलिव ऑयल, हाफ क्वान्टिटी ऑलिव ऑयल ले लें, हाफ अपना ये हेयर टॉनिक मिला लें और इसके बाद अपने बालों में लगा सकती हैं। तो आप अपने बालों में लगा कर भी छोड़ सकती हैं, फिर अपना हेयर वॉश करने के 1 से 2 घंटे पहले लगा लें या फिर 1 रात पहले लगा लें, अच्छी तरह से जड़ों में लगा लें, बहुत अच्छी तरह से मसाज कर लें, रात भर के लिए छोड़ दें और अगले दिन अपना हेड वॉश कर लें। एक आपका एकदम मार्केट में जो अवेलेबल हेयर टॉनिक होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हेयर टॉनिक बनकर बिल्कुल तैयार है बालों में यूज करने के लिए। एक और चीज मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक सीक्रेट आपको बता देती हूँ कि ये जो बाकी की चीज़ें हैं जो मैंने स्ट्रेन करके, जो हमने जिससे सीरम बनाया, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल मत फेंकिए। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्हें आप और थोड़े से पानी में भिगो दीजिए या फिर अगर आपको लगता है कि ये ऑलरेडी अच्छी तरह से उबल गई हैं तो इन्हें ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लें, थोड़ा सा चाहे तो पानी मिला लें या फिर ऑरेंज जूस मिला सकते हैं या अनार का जूस आप इसमें मिलाकर अच्छा बारीक पेस्ट बना लें और इसमें थोड़ा सा मेहंदी का पाउडर या फिर आंवले का पाउडर मिलाकर इसे बालों में लगाएं। बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, एक बहुत अच्छा आपका हेयर मास्क बन जाएगा। इसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं कम से कम
8 दिनों के लिए आप इन सारी चीजों को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा लेकिन फ्रिज में। तो ये बात हुई हमारी जो रिमेनिंग पार्ट था उसकी, और बाकी फिर ये आपका सीरम तो है ही हमेशा के लिए, आप आराम से फ्रिज में अगर इसको स्टोर करते हैं तो 1 महीने तक रख सकते हैं, और अगर फ्रिज के बाहर रख रहे हैं तो 15 दिन तक इसको आराम से लगा सकते हैं। तो इसे बिल्कुल यूज़ कीजिए और इस रेमेडी को ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जान सके कि कितना आसान है घर में ही एक अच्छी क्वालिटी का हेयर सीरम बनाना। इस वीडियो को बहुत सारे लाइक दीजिए, मैं जानती हूँ थोड़ा सा लंबा हो गया है ये वीडियो, लेकिन ट्रस्ट में जब आप इस टॉनिक को अपने बालों में यूज़ करेंगे तो इतना अपना ये जो समय यहाँ पर दिया है आप बिल्कुल भूल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ ब्यूटी टिप बताने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। दी हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।